प्रिया सरोज का एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसे देखेंगे तो यही कहेंगे प्रिया सरोज तो इकरा हसन को गुरु मान गईं। इकरा हसन की तरह ही सियासी राह पर चल रही हैं। प्रिया सरोज के इस वीडियो को देखेंगे तो यही कहेंगे पश्चिम में इकरा और पूर्व में प्रिया सरोज छाई हुई है। इकरा प्रिया की जोड़ी सपा की सियासत के लिए एक नई कहानी बना रही है जिसे सुनकर जनता वाहवाही के साथ तालियां बजा रही है। 4 जून 2024 को ये स्पष्ट हो गया कि नेगेटिव की राजनीति खत्म हुई और पॉजिटिव की राजनीति की शुरुआत हुई है। सोशल मीडिया पर मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखेंगे तो यही कहेंगे नेता का जनता से इस तरह का अटैचमेंट और जनता की ओर से नेता पर इस तरह का प्यार उड़ेलना, इकरा हसन को छोड़कर नए उम्र की नेता और जनता के बीच ऐसा रिश्ता शायद ही होगा। लोकसभा चुनाव परिणाम को आए अरसा बीत गया, उसके बाद भी इकरा हसन के साथ ही प्रिया सरोज के लिए अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने नेता के लिए जनता के बीच क्रेज ये दिखाता है न सिर्फ सपा बल्कि देश की राजनीति में वो छा रही है। इकरा हसन की उम्र 30 साल है, लिहाज से देखा जाए तो प्रिया सरोज इकरा से 5 साल छोटी हैं। प्रिया सरोज की उम्र 25 साल है। इकरा हसन जब विरोधियों के खिलाफ गरजती हैं तो उसमें सरलता का आभास है। अपनी सरलता से इकरा हसन दिग्गजों को मात देती हैं, बावजूद इसके वो विरोधियों के बीच भी प्रिय हैं। बात होगी तो काम की होगी, कतार में खड़े सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की बात होगी, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जो पीडीए की हमारी विचारधारा है, अभी हमारी चुनौती शुरू हुई है क्योंकि अभी हमें जनता ने साथ दिया है, अब हमारा संघर्ष शुरू होगा। लेकिन प्रिया सरोज विरोधियों पर आक्रामकता के साथ वार करती हैं। प्रिया सरोज की स्पीच को सुनिएगा तो उसका आभास हो जाएगा वो सपा की फायर ब्रांड नेता हैं। सपा के जो भी विरोधी हैं उन्हें अपने धाकड़ एटीट्यूड के जरिए बताती हैं, जनता के मामले में विरोधियों को तल्ख शब्दों के मार में अकल ठिकाने पर लगाती हैं। 4 जून 2024 को ये स्पष्ट हो गया कि नेगेटिव की राजनीति खत्म हुई और पॉजिटिव की राजनीति की शुरुआत हुई है। नफरत की राजनीति का अंत हुआ है और मोहब्बत की राजनीति की शुरुआत हुई है। इस नए युग में पीडीए ही कागज और पीडीए ही कलम है और ये तोड़ने वाली राजनीति का अंत हुआ है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। अब लोकसभा चुनाव को हुए अरसा बीत गया, इतने दिन बीतने के बाद भी मछली शहर में प्रिया सरोज के लिए जो क्रेज दिखा उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखिए प्रिया सरोज अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच आई। प्रिया सरोज को देखकर लोगों के चेहरों पर पूरी तरह से मुस्कान आ गई। वीडियो में देख सकते हैं प्रिया के साथ सेल्फी लेने के लिए महिलाएं किस तरह बेकरार हैं और अपने लिए लड़कियां या महिलाएं उनके बीच क्रेज देखकर आक्रामक रवैये वाली प्रिया सरोज सौम्यता और सरलता के अंदाज में दिखती हैं। प्रिया सरोज बेहद खुश नजर आ रही हैं, आखिर हूं भी क्यों ना, जनता उन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर ले रही है। लेकिन प्रिया सरोज अपने अंदाज से बता रही हैं कि वो उन्हीं में से एक हैं। कुछ इसी तरह का क्रेज लोगों को कैराना से सांसद इकरा हसन के लिए भी है। इकरा हसन जब भी लोगों के बीच जाती हैं उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं। इकरा हसन भी सरलता के साथ उनके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं। अब सपा के इन दो महिला नेता का जनता के बीच जिस तरह का क्रेज है और उस क्रेज में जिस तरह की स्थिरता है उसे देखने से ऐसा लगता है अखिलेश डिम्पल की ये दो महिला नेता अखिलेश डिम्पल की ओर से मिले लक्ष्य जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आधी आबादी को सपा की ओर लाना है उन आधी आबादी को सपा के साथ लाने में कामयाब होगी। क्योंकि ऐसा लगता है सांसदी चुनाव जीतने के बाद इन दोनों के पैर अभी भी सियासत की जमीन पर ही हैं जो इन्हें विरासत में मिली है। सपा सांसद इकरा हसन यह हमेशा कहती दिखती हैं। उनके पिता ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों को अगर जनता के विश्वास को जीतना है तो उन्हें वक्त वक्त पर जनता के बीच जाना ही चाहिए, उनके सुख दुख में हिस्सा लेना चाहिए और इसी रास्ते पर मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज भी चल रही है। इसी का परिणाम है लोकसभा चुनाव बीतने के बाद भी प्रिया सरोज जनता के दिलों में इकरा हसन की तरह छाई हुई है।